सिवान जिले के मैरवा धाम स्थित बाबा हरिराम मंदिर के पुजारी सुग्रीम पांडे के हत्या मामले में पुलिस ने 8 पुजारी सहित परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छापेमारी में जुट गई है। मृतक के पुत्र जगदीश कुमार पांडे ने मंदिर के पुजारियों पर पुरानी रंजिश में पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनके दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर के वशिष्ठ पांडे, हरिशंकर पांडे, मनु पांडे, रत्नेश पांडे, रवि पांडे, दीपक पांडे, अनीश पांडे ने मिलकर मेरे पिता की हत्या किए हैं। जान लेने की नीयत से सीने पर लात और घूंसे से मारपीट किया गया है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रमोद साह ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दिया है। हरनाथपुर गांव में मृतक पुजारी की मौत की घटना के बाद मातम का माहौल कायम हो गया था। शनिवार की रात शव पहुंचने के बाद परिजनों का चीख पुकार मचा रहा। रात भर परिजन रोते बिलखते रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरिराम मंदिर में बरसों से चल रहे पुरानी रंजिश को ससमय खत्म कर दिया जाता तो पुजारी की जान नहीं जाती। हरिराम मंदिर के पुजारी की मौत की घटना के बाद मंदिर परिसर के कई दुकानें बंद थी, वहीं अन्य दुकानें खुली हुई थी। मंदिर में बाबा का दर्शन व पूजा पाठ करते हुए भक्त देखे गए। पूछने पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं बताए। सामान्य रूप से मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। स्थानीय दुकानदार और पुजारी ने बताया कि मृतक का दुकान और आरोपियों का दुकान केवल बंद है, बाकी लोगों का दुकान खुला है। मंदिर में पुजारियों के बीच कोई तनाव नहीं देखा गया। मैरवा बाजार के वैसे समाज के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र ने हरिराम ब्रह्म मंदिर को ट्रस्ट से जोड़ने की मांग प्रशासन से किया है। उन्होंने कहा है कि बरसों से हरिराम मंदिर में पुजारियों के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा होते रहता है। अगर आज ट्रस्ट होता तो पुजारी की मौत नहीं होती। सीमावर्ती इलाके का हरिराम मंदिर में यूपी और बिहार से आने वाले भक्त मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दान भी करते हैं, लेकिन मंदिर में दान के रुपयों का कोई हिसाब नहीं है। वैसे समाज ने कहा कि मंदिर को ट्रस्ट से जुड़ जाने से हजारों गरीबों को मदद मिलेगा, दान के रुपयों से कई सारे काम किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पटना के हनुमान मंदिर में दान के रुपयों से कई अस्पताल चलता है, जिससे गरीब व असहायों का इलाज में मदद मिलती है। ऐसा काम करता है ट्रस्ट। ट्रस्ट जिसे हिंदी में न्यास कहते हैं, यह मंदिर की एक प्रशासनिक बॉडी होती है। ट्रस्ट में चेयरमैन और सेक्रेटरी का पद होता है, चेयरमैन का चुनाव होता है। ट्रस्ट के सदस्यों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है। मंदिर ट्रस्ट को कानूनन चंदे की राशि का कोई टैक्स नहीं देना होता है। ट्रस्ट के फैसलों या किसी अन्य कामों में सरकार कोई दखल नहीं देती है। ट्रस्ट अपना खर्च बोर्ड सदस्यों की सहमति से करता है। माहौल पहले की तरह फिर सामान्य हो गया है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दुकानें भी खुली हैं। बस जो दोनों पक्ष झगड़ा के उन्हीं लोग का दुकान बंद है। सभी लोग सुबह से ही लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडा बाबा हैं, यात्री हैं, श्रद्धालु भक्त हैं। पूजा पाठ पहले के भांति एकदम सुचारू रूप से बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल की घटना कुछ बोलेंगे? कल का जो घटना हुआ बड़ा दुखद हुआ। आपसी में लोग लड़ झगड़ लिए, कोई बात का बात नहीं था। आज तक तो नहीं हुआ था। नहीं नहीं, परमानेंट नहीं होता है, कभी जजमान के चलते धक्का मुक्की हो जाता है, लेकिन इस तरह से दुखद नहीं होता था। कल भी जो हुआ तो जो है कि कोई लेन देन कोई विवाद नहीं था, ना कोई जजमान था, ऐसे ही किसी बात बात पे झगड़ा हो गया। मारवा के जनप्रतिनिधि है, वो मंदिर को ट्रस्ट से जुड़ने की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि तो ट्रस्ट तो कहेगा, लेकिन इतने पंडा पर आज 400 बरी से जो जी रहे हैं यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? कोई रोजी रोजगार तब दे। कभी भी ट्रस्ट होगा तो उससे कोई बात नहीं, बहुत ट्रस्ट क्या करना है। पुलिस चौकी की यहाँ व्यवस्था कर दिया जाए, प्रशासन रहे, कोई डर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। काहे लिए पंडा लोग का रोजी रोटी मारा जाएगा? यहाँ पुलिस चौकी एक निर्माण कर दिया जाए, कोई लफड़ा ना होगा। मंदिर से कितने
पंडा के परिवार को कितने पंडा के परिवार के यहाँ से? अरे यहाँ 100 से ऊपर पंडा है, सबका रोजी रोटी चलता है। हाँ इसी से सारे लोग मेरवा के वाले। हाँ मेरवा के हैं, सेवतापुर के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी पंडा हुआ है। क्या माहौल यहाँ पर ठीक है? माहौल एकदम बढ़िया है, कोई झगड़ा विवाद नहीं है, कोई यहाँ किसी तरह का अफवाह भी नहीं है। लोग अपने मन से फैला रहे हैं, दुकानें खुली हैं, श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ सब चालू है। पूजा पाठ कभी न शाम को ही बंद हुआ, न सुबह में ही पूजा पाठ भी चल रहा है। अभी सुबह से लेकर कितने संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं? लगभग 1000 से कम नहीं होंगे। हाँ हाँ, अरे एक एक जजमान के साथ 10-20 लोग आ रहे हैं, तो सूर्य जी के 20-25 जजमान है तो हजारों पहुंच जाएगा। तो लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ का माहौल खराब नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे श्रद्धालु? हैं क्षेत्र के जो लोग हैं श्रद्धालु, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि बेकार का मंदिर के बारे में रिमर न फैलाए। जहाँ अगर पंडित पुजारी न रहे तो कौन मंदिर का देख रेख करेगा? अरे जहाँ 10 आदमी होता है, वाद विवाद होता है, कोई उसी में थोड़ा तेज होता है तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर देता है, फिर अपने आप सब लोग समझे, सब एक के परिवार के हैं, लड़ाई झगड़ा फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 दिन के लिए फिर लोग समझ जाएंगे, सलट जाएंगे, इसमें ज्यादा रिमर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों परिवार फिर एक दिन मिल जाएगा, ये तो मैं जानता हूँ। पंडित मिथिलेश पांडे, मेरवा धाम मंदिर पुजारी। मांग बहुत दुखद घटना घटी है, और मांग जो है सो अब उनके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई गार्जियनशिप है नहीं, वहीं थे, 2 शादी भी रोपे हैं। आज दूसरी बात ये स्पॉट पे ही मार करके वहीं ही उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी बात यह है कि अभी तक उनकी जो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, और हमारा यह है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारे भाई थे, बड़े भाई थे, उनको जैसे जिस तरीके से मार करके मारा गया है उसका इंसाफ प्रशासन से मिले, ठीक। और दूसरी चीज यह है कि अभी तक 24 घंटा हो गया, उन लोगों का गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। मुझे प्रशासन से आश्वासन मिला है कि आप टेंशन मत लीजिए, निश्चित रहिए, लेकिन फिर भी 24 घंटा में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले 9 लोग थे। कहा जाता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आए दिन वहाँ पर जो मंदिर पर जो है झगड़ा होते रहता है। वो तो होते रहता है, लेकिन कल किस हिसाब से वो लोग किए कि रोज वाले झगड़ा में कल वाले में झगड़ा में अंतर है? रोज तो ऐसे होता नहीं, कल 9 आदमी मिल करके उनको पकड़ करके 2 आदमी मारे हैं, 4, 5, 6 आदमी उनको पकड़ लिए थे, 2 उनके बच्चे भी थे, हम वहाँ थे लेकिन मंदिर में थे, ठीक। फिर इन्हीं 1-3 लोग थे, इन बाकी वो लोग 9 लोग मिल करके 2 आदमी स्पॉट पर मारे हैं, वहीं मर गए, मार के ही दौरान में मरे हैं। मेरा नाम बालजी पांडे, ग्राम हरनाथपुर, पोस्ट मैरवा, थाना मैरवा, जिला सिवान। पांडे के कितने बच्चे हैं? उनके 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़के का शादी करना है, एक लड़की का शादी करना है, और दोनों शादी तय है। इसका जल्द से जल्द अब व्यवस्था भी की जाए और उचित न्याय भी मिले कातिलों के, जो ऐसो हम तो कहेंगे कि हमारे भाई का मौत हुआ है, उनको भी मौत मिले, फांसी की सजा हम मांगते हैं।